भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से आयोजित निशुल्क कैंसर जांच शिविर में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ अखिल भारतीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ललित गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र के आदरणीय अध्यक्ष श्री संदीप जी भंडारी, यहाँ उपस्थित श्री मनोज सिंघवी जी, श्री डॉक्टर गुलवाड़े जी, महेंद्र मंडलेचा जी, निर्भय जी कटारिया, श्री प्रकाश धारणे जी, श्री जैन प्रकोष्ठ चंद्रपुर जिले के अध्यक्ष श्री हेमंतजी सिंघवी, महगा जैन प्रकोष्ठ के जिले की अध्यक्षा अर्चना मनोज जी, महानगर की अध्यक्षा वंदना बहन गोगेच्छा जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित डॉक्टर सुशील जी मुंदड़ा, फेन बाबू भंडारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जैन समाज के सम्माननीय प्रतिनिधि, सभी सेवा भाव से सेवा करने हेतु यहाँ आए हुए डॉक्टर्स और सभी मेरे भाइयों और बहनों, 111वें निशुल्क कैंसर जांच शिविर का अधिकृत उद्घाटन हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ के आदरणीय अध्यक्ष श्री गांधी जी, संदीप जी भंडारी और जिले के सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस सेवा कार्य को चंद्रपुर में आज उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से उद्घाटित किया है। यह भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पहला शिविर ये श्रीमती फडणवीस जी क्या हाथों से उद्घाटित किया गया। 100 शिविर होने के बाद माननीय गडकरी जी ने उसका उद्घाटन किया और आज तो 111वां तिबल एक्के, और हमारे जिले में 3 एक्के 1953 से प्रसिद्ध है। यहां पे जो पेपर मिल थी वहां 3 एक्का गेट कहते थे, 3 एक्के लगे हुए थे क्योंकि चंद्रपुर वाला कोई जीवन में बाजी हारता नहीं, उसके हाथ में हमेशा 3 एक्के होते। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जैन प्रकोष्ठ के प्रमुखों ने गुणवान विद्यार्थी भाइयों का और बहनों का सत्कार किया। मैं उनको भी सदिच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनकी इच्छा आकांक्षा माँ महाकाली तू पूरी कर, उनको शक्ति दे, उत्साह दे, एनर्जी दे और चंद्रपुर का गौरव बढ़ाने का आशीर्वाद दे। यहां पे सभी डॉक्टरों के नाम मुझे याद नहीं, मगर डॉक्टर सुशील मुंदड़ा जी हो या बाकी सभी डॉक्टर्स हो, ये भी अपने जीवन का अनमोल समय सेवा कार्य में देने के लिए उपस्थित है। उन सभी डॉक्टर भाइयों को भी सदिच्छा देता हूं, शुभकामना देता हूं और ईश्वर से अर्चना करता हूं कि उन्होंने जो निःशुल्क समय दिया है तो भगवान जब वो शुल्क लेते हैं तो उनकी आमदनी भी दुगनी चौगुनी कर देना, क्योंकि जीवन का अनमोल समय वो जनसेवा के लिए देते हैं। ये बात सही है कि हम सभी लोगों ने कभी जीवन में किताबों में या शिक्षकों के माध्यम से ये पढ़ा है। मैं भी जब यहाँ के गांधी स्कूल में पढ़ता था, नगर परिषद की स्कूल थी, तो शिक्षक हमें हमेशा सिकंदर की बात कहते थे और कहते थे कि सिकंदर खागियात आया, खागियात गया, जब उसका शव निकला गया तो उसने कहा कि शव पेटी के बाहर हाथ रखना चाहिए। मगर यह बात सही है कि यह आधा अधूरा सच है।
और बहुत बार यही होता है कि हम विश्व के उदाहरण देने में हमारे संस्कृति के ज्ञान को भूल जाते हैं। हमारे संस्कृति ने आधा ज्ञान नहीं दिया, हमारी संस्कृति ने हमको यह सिखाया है कि शरीर खाली हाथ आया है, शरीर खाली हाथ जाएगा, आत्मा कभी खाली नहीं आया और आत्मा कभी खाली नहीं जाएगा। वो पूर्व संचित लेके आता है, पूर्व जीवन के संस्कार लेके आता है, पूर्व जीवन के कर्म लेके आता है। इसीलिए तो हमको सिखाया है कि धन कमाने की तो कोई मर्यादा नहीं है। मैंने जीवन में सिर्फ एक बार एक व्यक्ति को देखा जो स्वामी नारायण मंदिर के पुणे के उद्घाटन में मुझे निमंत्रित करने के बाद उसने कहा कि मैं मेरे जीवन को स्वामी नारायण मंदिर की सेवा में समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि जीवन में युवा अवस्था में मैंने तय किया था कि मैं इतने पैसे कमाने के बाद मैं अपने जीवन में धन कमाना छोड़ दूंगा। बस उतना ही एक व्यक्ति मिला, बाकी जीवन में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने ऐसा कहा है कि इतना धन कमाते के बाद मैं अपने जीवन में धन कमाने वाले व्यवहार को बंद कर दूंगा। ऐसा मुझे कोई नहीं मिला, ना अंबानी मिल गए ना अडानी मिल गए, क्योंकि धन कमाने की मर्यादा कभी समाप्त नहीं होती। तो फिर पुण्य कमाने की मर्यादा क्यों समाप्त हो? धन तो इस जन्म के आखिरी सांस तक काम आएगा और पुण्य तो अगले जन्म से पहली सांस से काम आएगा। गर्भ में जहां भी हम रहेंगे वहां से हमारा पुण्य काम आएगा। और इस दृष्टिकोण से जैन प्रकोष्ठ को मैं बधाई दे रहा हूं कि आप ऐसे रुग्णों को मदद कर रहे हैं। सबसे खतरनाक अगर कोई बीमारी आज भी मानी जाती है तो वो कैंसर है। हमारे अध्यक्ष श्री सिंघवी जी कह रहे थे कि उन्होंने तो कैंसर को नजदीक से देखा है, तो मैंने भी नजदीक से देखा, मेरे मां को भी कैंसर हुआ था। और कैंसर में सबसे पहली बात डॉक्टर कहता है फर्स्ट स्टेज में है तो कोई चिंता नहीं, फोर्थ स्टेज में है तो चिंता करने की बात है। अभी तक कैंसर की बीमारी पर पूरी तरह से 21वीं सदी में हम चांद पे पैर रख रहे हैं, मंगल पे पानी ढूंढ रहे हैं, मगर कैंसर पेशेंट के आंखों का पानी समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे समय पे अगर हम ये जांच शिविर के माध्यम से पहले ही स्टेज में अगर जांच हो जाती है तो ये भगवान की सबसे सुंदर कलाकृति को बचाने का काम हम करते हैं, तो यह सबसे बड़ा जीवन का पुण्य है। और इसीलिए मुझे याद है कि भंडारी जी, जब रतन टाटा जी को मैं चंद्रपुर लेकर आया तो बात हो रही थी, रतन टाटा जी ने शादी नहीं की, तो मैंने मजाक से पूछा क्यों, कुछ कागज के समय का तो कोई मामला नहीं था? तो उन्होंने, नहीं भाई कोई कागज के समय का मामला नहीं था, मगर मेरे परिवार में 9 लोगों की कैंसर से मौत हो गई, 9 लोगों की, और इस वजह से मैंने शादी नहीं की। तो मैंने सहजता से कहा कि हमारे यहाँ पे भी बहुत प्रदूषण है, बहुत कैंसर होता है, और अभी हमने 18-19 में कैंसर हॉस्पिटल का एक ट्रस्ट बनाया जिसमें गवर्नमेंट आधा है और आधा टाटा ट्रस्ट है, और अभी हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू किया। बीच में हमारी सरकार चली गई तो गति रुक गई, पिछली सरकार में जो स्पीड चाहिए थी गति से उस हॉस्पिटल को पूरा करना था वो हो नहीं पाया। मगर परसों फिर मैंने सबको एकत्रित बुलाया और मैंने बता दिया कि अब ये हॉस्पिटल सही मायने में 2020 के दिसंबर में शुरू करना था, वो नहीं हो पाया, मगर अब अगर 26 जनवरी को ये हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ तो वहाँ झंडा फड़काने के पहले तुम्हारे छाती पे झंडा फहराए बिना नहीं रोकूंगा।
हमने चंद्रपुर के मेडिकल कॉलेज को भी बहुत अच्छी डिजाइन बनाया। जब 18 को मैंने मान्यता दी तो मैंने यही सोचा कि गरीब को जीवन जीने का अधिकार है। यहां पे हवा में प्रदूषण होता है, जल में प्रदूषण होता है, सॉइल में प्रदूषण होता है, पाप हम करते हैं, भुगत रहा कोई? तो हमने तय किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इतना सुंदर हो कि वहां से कोई स्वस्थ आदमी भी सामने से जा रहा होगा तो उसको भी लगे कि एक आधे दिन तो भी एडमिट होना चाहिए। उसकी डिजाइन मैंने खुद 10 बार बैठकर बनाई, 10 बार, और मुझे विश्वास है कि 2.5 साल का ये स्पीड ब्रेकर लगने की वजह से, मगर उसके पीछे फिर से मैंने काम शुरू किया, ये हॉस्पिटल भी इस राज्य का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, एम्स से भी अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। मैं अभी तक तो मंत्री नहीं बना, जो होगा वो तो ईश्वर रखता है, मगर जैसे सरकार आने के बाद पहली अगर मैंने मीटिंग ली तो हमारे जिले के आरोग्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मीटिंग ली, कि हमारे ग्रामीण रुग्णालय हो, पीएससी सेंटर हो, डॉक्टरों का दर्जा हो, उनका प्रशिक्षण हो, उनका स्किल बढ़ाने का काम हो, सॉफ्टवेयर का काम हो, क्योंकि मेरे परिवार में तो सभी डॉक्टर है, मैं छोड़कर मेरे परिवार में 13 डॉक्टर है। मेरा सग्गा भाई डॉक्टर है, मेरे दामाद डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरे पिताजी पिछले 3 जून को नहीं रहे, आखिरी सांस उन्होंने छोड़ा, पिताजी भी, उन्होंने 59 वर्ष सेवा की। 1960 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नागपुर से डॉक्टर हुए, तब चंद्रपुर में सिर्फ 2 MBBS डॉक्टर थे, 2, वहाँ से 2019 तक। इसीलिए जब हमारे डॉक्टर बाठिया मैडम आई तो मैं बोला बाठिया परिवार को भी, मेरे पिताजी फैमिली डॉक्टर थे और वहाँ पे बाठिया परिवार ये मूलतः कांग्रेस की कांग्रेसी परिवार था, मगर परिवार के संबंध इतने अच्छे रहे क्योंकि तब फैमिली डॉक्टर की कंसेप्ट थी। रात को 2 बजे भी उठाया जाता था, जैसा मुंदड़ा साहब मैं आपको उठाता हूँ, आप भी हंसते थे, पिताजी भी हमारे वही खुशी से जाते थे, पूरे डॉक्टर। मगर मैंने एक बार ऐसे ही कहा कि जितने 12-13 डॉक्टर मिलके दवाई नहीं देते उससे ज्यादा पेशेंट मैं देखूंगा। और हम भी कई काम करते हैं, अभी परसों हमने फोर्टिस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर को गए और फोर्टिस हॉस्पिटल के मेरी पहचान भी नहीं है, जैसे आप आ जाए, वो तो भारतीय जनता पार्टी से कम हमारा आपका गोत्र एक है, भारत माता, मगर वहां तो गोत्र भी एक नहीं था। ऐसे ही एक CSR कार्यक्रम में फोर्टिस हॉस्पिटल के MD आए और CSR के बारे में जो मैंने जानकारी दी उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं चंद्रपुर में काम करूंगा। और हमने अभी 25 बच्चे एक हार्ट के ऑपरेशन का कम से कम 8 से 10 लाख रुपए खर्च होता है, उन्होंने 3 करोड़ रुपए CSR फंड से दिए। यहाँ पे 25 बच्चे अभी आइडेंटिफाई हुए और 2-3 दिन में वो मुंबई जाएंगे, फोर्टिस हॉस्पिटल में उनके ऑपरेशंस होंगे, उनकी व्यवस्थाएं होंगी। सिर्फ एक ही ध्यान होता है, वो ध्यान होता है कि ये पुण्य जीवन में काम आता है। और जब भगवान हम ऐसे ही अच्छे काम करते हैं तो उसका वेटिंग पीरियड 5 साल से 2.5 साल हो जाता है। और इस दृष्टिकोण से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूं। जैन प्रकोष्ठ को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, सदिच्छाएं। आपने तय किया है कि 15 अगस्त तक 150 काम करना है, ठीक है, 15 अगस्त तो अभी समय कम होगा, मगर उसको बढ़ा के आपने 200 काम करने का निर्णय किया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही विचार रहा है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। और इसी दृष्टिकोण से हमारे भी आपके पार्टी में हजारों लोग जिनके चेहरे आप तक नहीं पहुँचते, रात दिन पार्टी को विस्तार के लिए, पार्टी के संवर्धन के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में काम करते हैं। आज
मैं भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से इस निशुल्क कर्क रोग जांच शिविर को उद्घाटन करने के बाद मुझे मन में बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबों की सेवा के लिए, गरीबों के जांच के लिए, गरीबों को दुख वेदना मुक्त करने के लिए आपने जो जांच शिविर लगाया है उसको मैं सदिच्छा देता हूं। इसका जो लोग चाहते हैं वो फायदा गए, और मेरी ओर से मैं ये विश्वास देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ जब भी मेरी याद करेगा तो साथ में पाएगा, जब भी याद करेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि चंद्रपुर जैसा आपने कहा सिर्फ ऊर्जा देने वाला केंद्र नहीं है, विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर इस डिस्ट्रिक्ट में है, विश्व के, ये शायद आपको पता नहीं होगा, विश्व के सबसे ज्यादा वाघ, और सिर्फ इतना ही नहीं है, नहीं शेर, शेर नहीं हो, और आपको अब एक नई जानकारी में देना चाहूंगा, ये हमारे चंद्रपुर कर जनता को अभिमान लगेगा। ऐसा अभी दिल्ली में नया संसद भवन बन रहा है जिसको सेंट्रल विस्टा कहते हैं, नया संसद भवन, अब देश के कोई भी राज्य का सांसद हो जब भी संसद भवन जाएगा तो जो दरवाजा है ना वो चंद्रपुर बल्लार शहर के लकड़ी से बन रहा है। 100 करोड़ रुपए की लकड़ी खरीद के वहां गई है। जब भी आपके जीवन का दरवाजा खोलना है तो चंद्रपुर के बिना पर्याय नहीं है, यह निश्चित रूप से तय हुआ है। मैं बहुत बहुत सदिच्छाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।